हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे नीडल स्टिक इंजरी क्या होता है और अगर किसी को नीडल स्टिक इंजरी हो जाता है तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। नीडल स्टिक इंजरी ऑकर्स व्हेन द स्किन इज एक्सीडेंटली पंचर्ड वाया यूज नीडल्स। मींस क्या होता है, जब किसी यूज नीडल से किसी को इंजरी हो जाती है तो हम उसे क्या बोलेंगे, नीडल स्टिक इंजरी। ये अधिकांश जब नर्स पेशेंट को मेडिकेशन करती है, उसे इंजेक्शन लगाती है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं नीडल स्टिक इंजरी होने के। तो यदि किसी नर्स को या किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो उसमें हम एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, डू नॉट स्क्वीज द एरिया। मीन्स जहाँ पर भी नीडल स्टिक इंजरी हुई है, मतलब जहाँ पर प्रिक हुआ है, उस एरिया को हमें दबाना नहीं है। अलाउ फ्री ब्लीडिंग, और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसे ब्लीडिंग होने देना है। देन हम क्या करेंगे, डू नॉट फिगर इन माउथ। जिस एरिया से ब्लीडिंग हो रही है उसे मुंह में नहीं रखना है। डू नॉट यूज स्प्रिट फॉर क्लीनिंग, वॉश द एरिया विथ रनिंग वाटर। और जिस एरिया में हमें नीडल स्टिक इंजरी हुई है वहाँ पे हम क्या करेंगे, रनिंग वाटर के नीचे हम रखेंगे और उससे हम वॉश करेंगे। देन हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म टू ICN, जो भी उस हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स रहती है उसे हमें इन्फॉर्म करेंगे। देन चेक द स्टेटस ऑफ पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर्स फॉर HIV, HBsAg, HCV। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी पेशेंट हैं जिससे हमें नीडल स्टिक इंजरी हुई है उसका हम क्या करेंगे, सीरोलॉजी टेस्ट भेजेंगे। कंप्लीट एंड सबमिट नीडल स्टिक इंजरी फॉर्म। देन हम क्या करेंगे, नीडल स्टिक इंजरी फॉर्म भरेंगे। देन फॉलो द नीडल स्टिक इंजरी पॉलिसी, जो भी नीडल स्टिक इंजरी है उसे हम फॉलो करेंगे। इफ पेशेंट इज़ पॉजिटिव, यदि पेशेंट पॉजिटिव आता है जिससे हमें नीडल स्टिक इंजरी हुई है तो हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना एंड फॉलो ट्रीटमेंट रेजिमेन पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। मीन जो भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है उसको हमें फॉलो करना है डॉक्टर्स के ऑर्डर पर। और क्या करेंगे, इफ पेशेंट इज़ नेगेटिव, यदि पेशेंट नेगेटिव रहता है जिसका हमने सीरोलॉजी भेजा है जिससे हमें नीडल स्टिक इंजरी हुई है, तो हम क्या करेंगे, द ब्लड टेस्ट आफ्टर 45 डेज 3 मंथ एंड 6 मंथ। मीन्स यदि पेशेंट नेगेटिव आता है तो हम 45 डेज के बाद में हमारा सैंपल भेजेंगे, देन 3 मंथ के बाद में भेजेंगे और 6 मंथ के बाद में हमारा ब्लड सैंपल भेजना है हमें। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिगार्डिंग यदि कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।